वेलकम टू हमारी रसोई। गोश्त के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, इसमें मैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। यहाँ पर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, नमक टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, ये सब इसमें ऐड कर दूंगी। इन सब मसालों के साथ गोश्त को अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं इसे आधा घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पर मैंने 2 बड़ी प्याज को स्लाइस करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया था। फिर उसको मैं हैंडफुल ऑफ पुदीना, हैंडफुल ऑफ हरा धनिया, 8-10 हरी मिर्ची है और 250 ग्राम दही है, इन सबको ग्राइंड कर लूँगी एक साथ। और अब जिस कढ़ाई में प्याज फ्राई करके मैंने निकाली थी उसी तेल में गोश्त को फ्राई कर लेना है हमें। यहाँ पर तेल गर्म हो गया है, इसे अच्छे से फ्राई करना है हमें। यहाँ पर हमें गोश्त को तब तक भूनना है जब तक इसका पानी पूरा सूख नहीं जाता और मसाला पूरा गोश्त पर कोट नहीं हो जाता। यहाँ पर देखिए गोश्त फ्राई हो चुका है, पूरा पानी भी सूख चुका है। अब इसमें जो मैंने मसाला पीसा था वो ऐड कर लूँगी, हरा धनिया, पुदीना और दही का। थोड़ा पानी डाल के इसमें ऐड कर दूँगी इसमें मिक्सर में। मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 10-15 मिनट के लिए और स्लो फ्लेम पे पकाना है हमें इसे, फिर ही रेडी हो जाएगा। अब इसे ढककर मैं 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी। इससे पहले मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी इसमें, नमक कम लग रहा है मुझे इसमें। वैसे हमारा गोश्त 3/4 पक ही चुका है। यहाँ पर हमारी भुना मसाला बोटी बिल्कुल रेडी है, अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।